छोटा बच्चा में ससुरी जो होता है ना एंजाइम जो होता है ना रेनिन एंजाइम बहुत ज्यादा पाया जाता है छोटा बच्चा में। देखिएगा छोटा बच्चा जो होता है ना पीता दूध है माँ का, लेकिन उल्टी जब करता है तो एकदम दही करता है, पूरा क्या करता है दही करता है। तो बस कहने का मतलब है कि छोटे बच्चे में ज्यादा रेनिन की मात्रा पाई जाती है। देखो ये अमाशय में रेनिन की, अमाशय से जो होता है ना जत्था रस निकलती है, और जत्था रस से दो तरह का एंजाइम निकलता है, एक निकलता है रेनिन और दूसरा होता है पेप्सिन। तो हम रेनिन के बारे में समझते हैं, रेनिन का मेन काम होता है वो दूध के दही में कन्वर्ट करना। छोटो बच्चों में ये रेनिन एंजाइम ज्यादा पाई जाती है, जिसके कारण से वो क्या करता है ना कि जो बच्चा दूध पीता है उसको दही के रूप में कन्वर्ट कर देता है, और बच्चा जो उल्टी करता है वो देखिएगा दही के रूप में निकल जाती है। और इसमें जो दूसरा एंजाइम पाया जाता है अमाशय जठर रस में, वो पेप्सिन होता है। पेप्सिन जो एंजाइम होता है वो प्रोटीन को किसमें बदलता है, पेप्टोन में बदलता है। यानी एक तरह से देखी जाए तो पूरी तरह से भोजन को पचाने का काम हम लोग के शरीर में कौन करता है, एंजाइम करता है। और बच्चे के शरीर में दूध को दही बनाने का काम कौन करता है, रेनिन एंजाइम करता है।